साई वे मेरे यार वे मेरी सिमत मोड़ मुहार वे मेरे साई वे मेरे यार वे मेरी सिमत मोड़ मुहार वे मुझे अपने नैनों के पास रख मुझे अपने दिल में उतार वे मुझे इतना आसान शॉट आपने कैसे मिस कर दिया? ताकि चीज का सहरा तुम्हारे सर बन जाए। तो मैं ले चलता हूँ फिर साहब के पास, मगर एक यार उनसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। तुम्हें पता है कि इस वही बिजी पर्सन यार। नहीं चाहिएगा शाह, तुम्हारी खैरात मुझे नहीं चाहिए। बड़े बड़े एलीट क्लास के लोग आते हैं हमारे दरबार पर, क्या वो भी बेवकूफ है? क्या वो भी जाहिल हैं, पागल हैं? आपको बैक एंड से बताया जाता है ना कि कौन से सवाल पूछने और कौन से नहीं। ब्रीफ किया जाता है ना आपको, किस तरह से अपने गेस्ट को शर्मिंदा करना होता है और जलील करना होता है। मुझे नामुराद छोड़ के ना जाए प्लीज साईं, इल्तिजा है मेरी, मुझे ये मौका दोबारा नसीब नहीं होगा। मैं जानती हूँ आपका दीदार दोबारा नहीं होगा। मेरी नौकरी तो समझे अब खत्म हो ही चुकी है अभी से। प्रॉब्लम क्या है? 8 साल से इस फील्ड में धक्के खा रही हूँ, लेकिन अभी तक अपना कैरियर नहीं बना पाई। कभी यहाँ तो कभी वहाँ, कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत मिले लेकिन अभी तक परमानेंट जॉब नहीं मिली, इसलिए तरक्की भी नहीं कर सकी। कुछ अतात करें साईं, मेरे ऊपर घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार, थोड़ा सा। तुम कभी बाज नहीं आ सकते शहबाज अपनी शरारतों से। साईं कोई गलती हो गई है, आप गुस्से में लगते हैं। सुधर जाओ शहबाज, सुधर जाओ। तुम्हारी दावत पर आया हूं, अभी इंटरव्यू दिया है तुम्हारे चैनल पर। तुम मीडिया वाले सब एक जैसे हो, कोई फर्क नहीं है। साईं कोई गड़बड़ हो गई है क्या? मैं आपका प्रोग्राम देख नहीं सका। सॉरी, फॉरगेट इट, जो हो गया सो हो गया। मैंने अपना रिएक्शन दिखा दिया, आइंदा मुझे कभी किसी लाइव प्रोग्राम में मत बिठाना। साईं मुझे आप जूते मार दीजिए, मैं भी ताबिंदा को डिसमिस करता हूँ, आप हुक्म कीजिए। खबरदार, बहुत अच्छी लड़की है। तो साईं फिर कसूर किसका है, प्रोड्यूसर का है? जिस किसी का भी हो, चैनल के मालिक तो तुम हो ना, हर जाना तो तुम्हें देना होगा। सर आप तो डरा ही देते हैं, मेरी तो जान निकाल के रख दी आपने। क्या पेश करूं आप हुक्म करें। कोई गाड़ी पसंद आ गई है, नाम बताइए, मॉडल बताइए। ताबिंदा खुर्शीद। वाकई? आई कांट बिलीव साईं। गलत क्यों समझ रहे हो मुझे? अभी और इसी वक्त उसे परमानेंट जॉब दो, तरक्की के साथ। ओहो साईं ये बात है, आप हुक्म करें ये तो कोई बात ही नहीं है, उसको कल ही कंफर्मेशन का लेटर मैं दे दूंगा। और कोई हुक्म हो तो बताएं। मैंने क्या कहा था शहबाज? अभी और इसी वक्त। सर आपका हुक्म आंखों पे। फैक्स करो और मुझे बताओ, I'm waiting। बहुत शुक्रिया। ताबिंदा खुर्शीद का कंफर्मेशन का लेटर तैयार करें और मेरी टेबल पे लेके आए। तो ये बात है। देखो कोई फैक्स आया मेरा। तुम्हें कैसे पता? बॉस की कॉल आई। तो मैं कंटेंट हेड बना दिया गया विद इमीडिएट इफेक्ट। वाकई? अच्छा एक बात तो बताओ, किसकी सिफारिश लगाई तुमने? मुझसे तो ना छुपाओ यार। ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है,
एक मिनट में तुम्हारी छुट्टी करा दूंगी। हाँ भाई अब तो तुम छुट्टी कर ही सकती हो, कंटेंट हेड जो बन गई हो। मान गए आपकी रूहानी ताकतों को, बेशक आप करामत शाह हैं। काश आप मुझे पहले मिल जाते और संवार देते मेरी किस्मत को। थैंक यू वेरी मच शाह साहब, थैंक यू वेरी मच। फिर क्या कहा उसने, कोई उम्मीद दिलाई? अरे भाई पहले तो मुझे खूब बातें सुनाई उसने, लेकिन फिर वो ये मान गया या नहीं? अरे मिसाल सुनी है ना, बाप बड़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। तुम्हारी मुस्कुराहट बता रही है कि कोई खुशी की खबर है। यार बड़ी मुश्किल से आमादा हुआ है, बाकी खलीफा सुंदर जो है वो खलीफा है, बड़े ही नखरे उसके। हाँ बताया था तुमने भाई, वो साहब का खासुल खास आदमी है, ये समझो कि उनके नेफे की जू है, और इतना अंधा एतमाद करते हैं खलीफा पे वो, बस उसी को अप्रोच किया है मैंने। तो यार तुमने पीर साहब को डायरेक्ट अप्रोच क्यों नहीं किया? भाई कमाल करते हो, वो डायरेक्टली किसी से नहीं मिलते। तो भाई ही इज नॉट अ किंग, ही इज अ किंग मेकर। रियली? इसका मतलब है कि तुम उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो भाई उनके मर्तबे, उनकी मार्फत, उनकी कुव्वत को समझो यूसुफ, अपने अकीदे को मजबूत करो, सब ठीक हो जाएगा। और अगर तुमसे कोई ऊंच नीच हो गई ना तो ये समझ लो कि बेड़ा करक। क्या क्या अगर ये भी ना रही तो सब कुछ खत्म हो जाए। यूसुफ हौसला रखो मेरी जान, हौसला। देखो बड़ी तू उसको याद दिलाते अभी यार मैं उसकी मुस्तकिल जान कहां कर रहूंगा, इसकी तुम फिक्र मत करो, लीव इट टू मी। बस तुम ये दुआ करो कि किसी तरह पीर साहब तुम्हारे घर आने पर आ सके। मोहसिन शाह अंदर आ जाओ। अरे आओ, क्या हो गया तुम्हें, इजाजत की जरूरत नहीं है, आओ आओ बैठो। तुम ऐसे हाथ बांध कर खड़े हो जैसे किसी बादशाह के दरबार पर आए हो। अगर किसी बादशाह के दरबार पर जाना भी पड़ा ना मोहसिन, तो ऐसे हाथ बांध कर मत जाना, सर उठा के गर्दन पकड़ा कर, समझे? बैठो। अरे बैठो, यहां से बढ़कर कौन सा दरबार हो सकता है, और आपसे बढ़कर कौन बादशाह? हता साईं। अरे ये क्या सही सही लगा रखी है, मैं तुम्हारा भाई हूं। मैं तो मुरीद बनकर आया हूं साईं। फिर वही बकवास। सॉरी अदा। अच्छा बताओ, कोई इमरजेंसी, कोई प्रॉब्लम? मजबूर होकर आया हूं, बाप के पास वक्त ही नहीं होता। अपने मुरीदों और अकीदतमंदों में हर वक्त तो घिरे रहते हैं आप। तुम एक दफा कह के तो दे, अपना सारा वक्त तुम्हें दे दूंगा, अपनी सारी उम्र तुम्हें दे दूंगा, तुम्हारे कदमों में गिर जाऊंगा। ये आपको जेब नहीं देता, प्लीज ऐसा ना कहें। आने का कोई मकसद, कोई हाजत, कोई सवाल? हाजतें तो अल्लाह पूरी कर देता है, इंसान के बस में कहां। बेशक बेशक,
सवाल पूछने आया हूँ। पूछो। आप मुझे किस कैटेगरी में रखते हैं, मुरीद हूं या मुजहरा, या आपकी चौखट पे कोई सिसकता हुआ भिखारी, या गुलाम समझते हैं मुझे? तुम ऐसा कहोगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम मेरे भाई हो और मैं तुम्हारा बड़ा भाई, ये तुम्हारी कैटेगरी है। तो फिर मुझ पर तर्ज खाना छोड़ दें, बस एक यही इल्तिजा है आपसे, मुझ पर कोई तर्ज खाए मुझे अच्छा नहीं लगता। मोहसिन, यार वे मोड़ मुहार वे, यार वे मोड़ मुहार वे। तुम इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही हो मेरे भाई में? It's a fantasy, magic world. It's very interesting. पीर जो कहते हैं वही होता है। मुरीदों की मुरादें पूरी हो जाती हैं, सब उनके आगे पीछे घूमते हैं, और मैंने तो यही देखा है टीवी में, लेकिन हकीकत में मुझे नहीं पता कि क्या होता है। तो you tell me ना, ये हकीकत में पीर कैसे होता है? उनके दो सींग होते हैं, एक लंबी सी दुम, दो की जगह एक आंख, 16 बाजू और 18 टांगे। मजाक करने की कोशिश कर रहे थे? अरे भाई, वो भी हमारी तरह इंसान होते हैं, जैसे तुम जैसे मैं, कोई फर्क नहीं होता। नहीं, आई गेस वो बहुत अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं हम सब से। जैसे देखो, अब देखो तुम्हारे आगे पीछे कोई घूमता है नहीं ना, तुम्हारी कोई बात मानता है, जो तुम कहते हो वो होता है नहीं होता ना। जो पीर होते हैं ना, जहाँ पे उनका पाँव होता है लोगों के वहाँ पे सर होते हैं। अच्छा, मुझे तो आज तक कोई डिफरेंस फील नहीं हुआ अपने और दसाई के दरमियान, जैसे वो वैसे मैं। तो फिर तुम पीर बन जाओ ना, तुम क्यों नहीं बनते? क्या पड़ी है मुझे, फैमिली में एक नमूना काफी नहीं है? दो नमूने होते तो ज्यादा अच्छा होता। क्यों? इज्जत बढ़ जाएगी मेरी, मेरी कदर कीमत में इजाफा हो जाएगा, लोग मेरे आगे पीछे घूमेंगे, मेरा हाथ चूमेंगे, जहाँ पे मैं अपना पांव रखूंगी वहां पे वो अपना सर रखेंगे। Stop it! हो गया तुम्हें? देखो अलिश्मा, मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, आइंदा अगर तुमने कोई इस किस्म की बात की तो मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा, चाहे तुम मर जाओ या मैं। क्या हो क्या है? मैंने ऐसा भी क्या कह दिया? बहुत अफसोस हुआ, बहुत ज्यादा अफसोस हुआ। कुछ ही देर में सब कुछ जल के राख हो गया, बर्बाद हो गया। अमीर बख्श का तो पूरा खानदान जलकर खाक हो गया, कुछ बचा ही नहीं। उसको पहले ही बहुत बड़ा सदमा था कि फैमिली में मैंने उसकी सीट छीन ली, और ऊपर से ये तबाही बर्बादी
लेकिन इतनी भयानक आग आखिर लगी कैसे? कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता। जिसने भी देखा उसका यही कहना था कि अचानक शोलों ने घर को घेर लिया, कोई आसमानी आफत थी। तो क्या आग आसमान से बरस पड़ी? क्या कह सकते हैं? जिसने भी देखा उसने ये कहा कि चंद नामों में ये सब कुछ बर्बाद और तबाह हो गया। अब क्या कह सकते हैं? जी तो जो तरस आ रहा है अमीर बख्श पे। हाँ, अमीर बख्श ने कुछ दिनों पहले गुस्ताखी की थी कराम शाह की शान में। संदील बता रहा था कि बहुत बुरा भला कह रहा था हमारे बेटे को। उसका ख्याल है कि करामत शाह ने उसे धोखा दिया है और उसकी जगह मुझे जितवा दिया इलेक्शन में। समझ गई साईं, कोई समझे ना समझे मैं समझ गई कि इतनी बड़ी आग, इतना बड़ा अजाब ऐसे ही नहीं नाजिल हो जाता किसी पर। करामत साईं के साथ बगावत की है ना, उसकी सजा मिली है अमीर बख्श को। ये मोहसिन गया है ना, बुलाना है इसे। जी साईं। जी आदा साईं। क्या बात है, आज तुम बगैर बताए जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो, रात हो गई है काफी। दरअसल ही यूनिवर्सिटी में एक दावत दी है फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की, जूनियर्स दे रहे हैं। ओह, हमारी दावत है, नाइस। वापसी? देर हो जाएगी। तुम एक काम करो, अपने साथ गार्ड्स ले जाओ। तुम्हें पता तो है शहर के हालात कितने खराब हैं। और देर क्यों लगेगी, जल्दी आ जाना। वो डिनर के बाद म्यूजिकल फंक्शन भी है। आई लव म्यूजिक। मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं नहीं सही, आप नहीं जाने। क्यों? सही, आम लोगों से घुलना मिलना आपके लिए ठीक नहीं है, इससे कदर घट जाती है सही। बादशाहों का आवाम से फासले पर रहना जरूरी होता है। आप तो हाकिम हैं, सियासी लीडर तो नहीं है ना। ठीक है ठीक है, मगर मेरा भी दिल करता, बहुत दिल करता। आप मामूली आदमी नहीं है, अपने आप को मामूली इंसान ना समझें। आप तो रूहानी पेशवा हैं और आवाम से हमेशा दूर रहे, जैसे कि आप हमेशा रहते आए हैं। ठीक है, जाओ मौसम। जी अदा साईं। क्या हो गया,
कैसे हो गया ये सब कुछ? किसने किया ये? एक ही लम्हे में मेरा सारा खानदान जलकर राख हो गया, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा मेरे पास, मैं अकेला हो गया। या अल्लाह, किस जुर्म की सजा दी है मुझे? कौन हो सकता है मेरा दुश्मन? करामत शाह? नहीं नहीं, वो ये सब क्यों करेगा? उसकी मुझसे क्या दुश्मनी हो सकती है? हाँ, करामत शाह, तेरा पीर सही झूठा है, एक नंबर का धोखेबाज है। अदब से वडेरा अमीर बख्श, अदब से, गुस्ताखी नहीं करते। नहीं, अरे बकवास बंद कर, तू जानता है ना मुझे? जानता जानता हूं। हाकिम है आप अपने इलाके के? हाकिम तो वो तेरा जाली पीर है। जाली पीर? तौबा तौबा, तौबा करो वडेरा, तौबा करो, अस्तग़फ़ार, तौबा तौबा। मैंने उसकी शान में गुस्ताखी की? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे उसकी सजा मिल रही? रोग लगा लिया है आपने अपने आप को। ये क्यों नहीं बचते खुद ब खुद? क्यों नहीं बचते मेरे सुरों के साथ? क्या मेरी रियाजत में कोई कमी है? क्या मेरे सुर असर नहीं रखते? दुनिया मेरे इशारों पर चलती, ये क्यों खामोश रहते हैं? बोल सिद्ध, बोल सही। आप रूहानी पेशवा हैं, मगर इंसानों के ये इन चीजों के नहीं सही। आपने क्या शोक पाल रखा है सही? सुकून मिलता है मुझे, चैन आता है मेरे बेकरार जिस्म को, जब मैं इस मौसीकी के समंदर में डूब जाता हूं तो बिल्कुल ही डूब जाता हूं, गर्क हो जाता हूं। देखिए मेरे बादशाह, अल्लाह साई ने सिर्फ तानसेन को इतनी ताकत अता की थी कि साज खुद ब खुद बजने लगते थे उसकी आवाज के साथ।
मगर कोई उसके पास उसके हाथ चूमने नहीं आता था, कोई अपनी मुरादें मांगने नहीं आता था उसके पास। सही कहां आप, कहां वो मामूली गवई ते आपको अब क्यों एक मामूली से गवैये के साथ मिला रहे हैं? वो तो एक दरबारी गवैया था साईं, आप दरबार के ताजदार हैं साईं। यार वे मोड़ मुहार वे, यार वे मोड़ मुहार वे। मुझे खामखा तुम्हें ड्रॉप करने के लिए जाना पड़ रहा है। अपने ड्राइवर को क्यों भेज दिया था? ऑब्वियस सी बात है, आई वॉन्टेड यू टू ड्रॉप मी ऑफ। तो आई पेरेंट्स को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा इस तरह रात गए मेरे साथ? नहीं, उन्हें क्या ऑब्जेक्शन होना है, दे ट्रस्ट मी। हालांकि करना तो नहीं चाहिए। क्यों? तुम्हारी हरकतें कुछ ऐसी हैं। यू शुड नॉट स्पीक, यू नो, जस्ट स्टे क्वाइट। अच्छा बाबा, नाराज क्यों हो रहे हो? नाराज तो क्या मेरे दिल करे, मैं तुम्हारे मुंह पे इतने थप्पड़ मारूं ना कि तुम्हारी गाल लाल हो जाए और मेरे हाथ ना रोके। लेकिन क्यों अलिशबा? क्योंकि तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं। अगर तुम्हारी यही हरकतें रही ना, आई स्वेर मैं मेरे हाथ नहीं रुकेंगे तुम्हें कभी मारने से। Up the phone, yaar. Up the phone, Mohsin. God damn it, pick it up. तुम्हें बार-बार किसकी कॉल आ रही है? और मैं नोटिस कर रही हूँ कि तुम बार-बार साइलेंट पे कर रहे हो अपना फोन। कुछ नहीं। हेलो सिंधल, मोहसिन शाह का फोन नंबर लगाओ। मैं उसे कॉल कर रहा हूँ, मेरा फोन ही नहीं उठा रहा। मुझे समझ में नहीं आ रही, मैं परेशान हो रहा हूँ। जैसे ही उससे बात होती है उसे कहो मुझे कॉल करे। ओके, खुदा हाफिज़। अब अगर कॉल आए ना तो मुझे दे देना, मैं बात कर लूंगी। खबरदार जो मेरे फोन को हाथ लगाया। इसका मतलब है वाकई में कुछ चल रहा है। मोहसिन कहाँ हो तुम? परेशान कर रखा है तुमने मुझे। मैं तुम्हें कब से फोन कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे? अदा साईं बिजी था, फोन साइलेंट पे था इसलिए पता नहीं चला। लापरवाही की हद होती है मोहसिन, रात के 2 बज रहे हैं और तुम अभी तक गायब हो। रस्ते में हूँ, बस आ रहा हूँ, जस्ट गिव मी 25 मिनट। जल्दी से घर आओ, तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि मुझे नहीं नींद आती जब तक तुम घर नहीं आते। बड़े भाई का होना भी एक अजाब है। तुम्हारी बातों से अंदाजा हो गया था मुझे। यार ये छोटी छोटी चीजें जो है ना,
ये साइंस होते हैं. You don't know how much your brother loves you. Love. Sin? ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए एक यूनिक तोहफा है. वो तुमसे कितना प्यार करते हैं, तुम्हें उनकी कदर करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग ऑल द टाइम. शुक्र करो अल्लाह का, उनसे पूछो जिनके भाई नहीं है. Listen, I want you to drive fast because you have to go. वो मौजूद है, हर शय में मौजूद है, वही सब कुछ है. अच्छा बाबा, अब आप लुक जाओ. सही, अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ. अल्लाह मगफरत करे तुम्हारे खानदान की. सही, बेकाबू हो गया था सही, बहुत बदतमीजी की थी मैंने आपकी शान में, बहुत बकवास कर बैठा सही मैं. सही है, खलीफा जानता है सही, मुझे बदुआ लगी है सही आपकी. साईं कभी बदुआ नहीं देते, कभी नहीं, किसी को नहीं. सजा मिल गई सही, मुझे मिल गई है सही सजा. सही बस आप माफ कर दें, कुछ भी नहीं रहा मेरे पास, कुछ भी नहीं बचा ऐसा ही मेरी झोली में. हिम्मत करो, हौसला करो अमीर बख्श, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा. हमने तुम्हें माफ किया सही. बादशाह है सही आप, बादशाह है सही. माई पीनी, क्या गुनाह किया है मैंने? सिर्फ एक गुनाह, वो भी मैंने खुद नहीं किया, मेरी रूह की तड़प, ये धड़कनों की चीखें मेरे काबू में नहीं. इश्क किया है उससे, और अगर इश्क करना गुनाह है तो हाँ मैंने किया है गुनाह. तुझ में और मुझ में ज्यादा फर्क नहीं, इश्क तो तुमने भी किया था अपने शोहर से. फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारी मोहब्बत लाजवाब हो गई और मैं आज भी तरस रही हूँ. ये जख्म तो तुमने भी खाया है और यही जख्म मैंने भी खाया है. जो नासूर बन गया है और कभी भर नहीं सकता. अस्सलाम वालेकुम बाबा साहब. वालेकुम अस्सलाम.
अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। बाबा साहब अखबार पढ़ा आपने आज का? हाँ पढ़ा है मैंने। इसमें मेरा रिजल्ट छपा है। अच्छा तो ये सुनाने आए। वैसे तुम गांव कब आते हो, कब जाते हो पता ही नहीं चलता, तुम्हारे होने का एहसास ही नहीं होता। मेरी तस्वीर भी छपी है अखबार में। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है मोहसिन साई? करामत साई का तो इंटरव्यू चला था, हमने भी देखा था, पूरे गांव ने भी देखा था। वो किसी और सिलसिले में था, मुकाबला कर रहा अपने बड़े भाई करामत शाह से। अता साई किस मुश्किल से पास हुए हैं ग्रेस मार्क्स लेके जानते हैं आप? तो क्या हुआ, पास तो हो गए ना। और करामत साई ने कौन सी नौकरी करनी है, वो तो वैसे ही बादशाह है, बादशाह। और मैं क्या हुआ अम्मा? आप ही बताइए बाबा साई, कितनी हैसियत है, क्या औकात है मेरी इस घर में? तो अपने आप को एक भिंग बेकार फजूल चीज महसूस करता हूँ, जो ना चाहते हुए भी इस घर में पैदा हो गया। गलत समझ रहे हो तुम, बताओ इसे गलत समझ रही। तो कौन इज्जत करता है मेरी? आप ये क्या बोल रहे हैं आप मोहसिन साहिब? वही अम्मा जो आप समझ के भी नहीं समझ पा रहे। तो मैं लाख कोशिशों के बावजूद आपको नहीं समझा पा रहा। वही मोहसिन साहिब, तू औकात से इतना बाहर निकल गया है और मुझे पता भी नहीं चलने दिया, क्या समझता है अपने आप को? इल्तिजा की है साईं। किससे पूछ के? जानता नहीं हम किसी जरूरतमंद के दरवाजे पर नहीं जाते, कभी नहीं गए। अब मैं तेरे हुक्म पर चलूंगा, तेरे इशारों पर नाचूंगा, बता सीधन। वादा कर बैठा हूं मेरी इजाजत के बगैर मुझसे पूछा तक नहीं तुमने। भरोसा था साईं बादशाह। किस पर? अपनी गोद पर, जिसमें आपकी खुशबू बसी हुई है और बसी रहेगी हमेशा, मेरे मरने के बाद भी। सारी जिंदगी की खिदमत और रियाजत पर एतमाद था मुझको, नहीं तो ना सही। आइंदा अपनी हद में रहेगा आपका सिंदल। यार